Bismillahir Rahmanir Rahim. Dr. Ahmed Zeeshan Chughtai. I am working as Assistant Professor of Medicine, Punjab Medical College. The topic is bronchial asthma. This lecture is divided into two parts. This is first part of this my lecture. Bronchial asthma is defined as chronic airway inflammation and increased airway hypersensitivity, which is associated with symptoms of reversible airway obstruction. Airway obstruction is reversible. So bronchial asthma is defined as chronic airway inflammation, increased airway hypersensitivity. Airway in logo ka sensitive hota hai. Zara sa allergen aaya, koi activating factor aaya, तो फौरन आपका एयरवे नैरोड हो जाता है. आपकी एयरवे नैरोड की वजह से आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. ये सिम्टम्स ब्रोंकियल एस्थमा के खास फीचर्स होते हैं, जिनमें खांसी, चेस्ट टाइटनेस, सांस का चढ़ना और छाती में सीटियों की आवाज़, कफ, वीज, चेस्ट टाइटनेस. दीज आर दी इम्पोर्टेंट सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा. ब्रोंकियल एस्थमा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स पैंटिंग. पैंटिंग का उर्दू में अगर हम तर्जमा करें तो इसका मतलब है हांफना, सांस बहुत चढ़ना. सांस चढ़ने की वजह से हांफने को पैंटिंग कहते हैं. तो एस्थमा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड लिटरली मीन्स पैंटिंग. एस्थमा इज कैरेक्टराइज बाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, चेस्ट टाइटनेस एंड वीज. तो चार सिम्टम्स हैं जो एस्थमा के प्रीडोमिनेंट हैं. सांस का चढ़ना, खांसी, छाती का टाइट हो जाना या छाती का जकड़ाव, वीज, छाती की सीटियां बजना, छाती में सीटियां बजना. तो कफ, वीज, चेस्ट टाइटनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दीज आर फोर कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा. Bronchial asthma is characterized by chronic airway inflammation and increased airway hyperresponsiveness with symptoms of reversible airflow obstruction like cough, wheeze, shortness of breath and chest tightness. The single differentiating point between asthma and COPD is reversibility. Bronchial asthma is reversible while COPD is irreversible. Reversibility क्या होती है? Reversibility का मतलब है कि airflow obstruction is reversible. आप bronchodilator देते हैं या steroid का course करते हो तो airflow obstruction खत्म हो जाती है, जबकि COPD में airflow obstruction खत्म नहीं होती. इसका मतलब है ब्रोंकियल एस्थमा कैन बी रिवर्सिबल. ब्रोंकियल एस्थमा की एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन या एयरवे नैरोइंग वो रिवर्सिबल होती है, जो ट्रीटमेंट के साथ या बगैर ट्रीटमेंट के खुद ब खुद भी ठीक हो सकती है. सो रिवर्सिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? रिवर्सिबिलिटी ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन इज डिफाइंड बाई एन इंक्रीज ऑफ 12% एंड 200 ml इन FEV1 और 15% एंड 200 ml इन FVC आफ्टर इनहेलिंग ए शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर. फॉर एग्जाम्पल सालब्यूटामोल 400 माइक्रोग्राम बाई मीटर डोज इनहेलर और ए 2 week कोर्स ऑफ ओरल प्रेडनिसोलोन 30-40 mg पर डे. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर लाइक सालब्यूटामोल के 2 puff दें या उसको 2 weeks के लिए, 2 हफ्तों के लिए हम प्रेडनिसोलोन 30-40 mg खिला दें तो उसके लंग फंक्शन टेस्ट में इम्प्रूवमेंट आ जाती है. उसके लंग फंक्शन टेस्ट में FEV1 में 12% और FVC में 15% इम्प्रूवमेंट आ जाए तो इसका मतलब है कि ब्रोंकियल एस्थमा इज रिवर्सिबल है और इस चीज़ को रिवर्सिबिलिटी कहते हैं. वॉट इज epidemic of the epidemiology of the bronchial asthma. 300 people worldwide, पूरी दुनिया में 300 million people bronchial asthma के patients हैं.
और 2025 तक 400 मिलियन पीपल अफेक्ट हो जाएंगे। 10 to 12% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड इज अफेक्टेड विद ब्रोंकियल एस्थमा एंड 15% ऑफ द चिल्ड्रन दे हैव ब्रोंकियल एस्थमा। It is slightly more common in male children and more common in female adults. Pathogenesis. Bronchial asthma is characterized by airway hyperreactivity. Airway hyperreactivity, that is tendency of the airways to contract too easily and too much. To trigger that has minimal or no response in normal individuals. इसका मतलब ये है कि वो triggers या precipitating factors अगर किसी normal बंदे में आए तो उनमें airway narrowing नहीं होगी, लेकिन जब वो triggers एक bronchial asthma के patient में आए like air pollution, like pollens, like smoke, तो उनमें आपका airway narrowed हो जाएगा। उनमें एयरवे नैरोइंग की वजह से कफ, वीक, चेस्ट टाइटनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसी अलामत आएंगी। तो इसका मतलब है कि ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट का एयरवे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हाइपर रिएक्टिव होता है। दैट इज द की फीचर ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा। देयर इज इंक्रीज सेवेरिटी एंड क्रोनिसिटी काजिंग रीमॉडलिंग ऑफ द एयरवेज इन पेशेंट का एयरवेज। इन पेशेंट की सांस की नालियों में आहिस्ता आहिस्ता ऐसी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं कि जिसकी वजह से उनकी उनमें एक तो नालियां बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, दूसरा नालियां तंग होना शुरू हो जाती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इज एलर्जी। टेंडेंसी ऑफ दिस पीपल्स टू हैव एलर्जी इज कॉल्ड एटोपी। एटोपी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर and it is associated with increased production of IgE and eosinophils. These atopic individuals, they have increased levels of IgE and eosinophils. Some patients, they have asthma due to aspirin, that is called aspirin induced asthma, and some patients, they have exercise induced asthma. कुछ मरीज ऐसे होते हैं जब भी एक्सरसाइज करते हैं उनकी सांस की नालियां तंग हो जाती हैं, उनमें एस्थमा आ जाता है। दिस एस्थमा इज कॉल्ड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा। और कुछ लोगों में इम्यूनिटी और उसकी एसोसिएटेड फीचर्स की वजह से एस्थमा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉसी इम्यून एस्थमा। नाउ वी डिस्कस द पैथोजेनेसिस ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा इन डिटेल। Asthma is associated with specific chronic inflammation of the mucosa of the lower airways. One of the main aims of treatment is to reduce the inflammation. So, bronchial asthma के patients में lower airways जो कि सांस की नालियाँ होती हैं, जो कि अगली वाली आखिरी सांस की नालियाँ होती हैं, उनमें inflammation हो जाती है, उनमें सूजन हो जाती है। और हमारी ट्रीटमेंट का मकसद क्या है, इस सूजन को, इस इन्फ्लेमेशन को कम करना। द एयरवे म्यूकोजा इज इन्फिल्ट्रेटेड विद एक्टिवेटेड ईओसिनोफिल्स। जैसा मैंने पहले बताया है कि ईओसिनोफिल्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में जमा हो जाते हैं। ईओसिनोफिल्स के साथ वहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स भी जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर म्यूकोजल मैस सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। दीज मैस सेल्स दे रिलीज हिस्टामिन एंड सेवरल अदर मीडिएटर। ठीक है, तो डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन इज पुअरली रिलेटेड टू डिजीज सेवेरिटी एंड मे इवन विद फाउंड विद एटॉपिक पेशेंट विदाउट एस्थमा सिम्टम्स। यानी कि बाद एटॉपिक पेशेंट्स में एयरवे इन्फ्लेमेशन होती है, ईओसिनोफिल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन होती है, मैस सेल्स होते हैं, लेकिन उनमें सिम्टम्स नहीं होते। और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं लेकिन मैस सेल्स इतने ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होते। सो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेमेशन का डिजीज सेवेरिटी से इतना ख़ास ताल्लुक नहीं है। दिस इन्फ्लेमेशन इज यूजुअली रिड्यूस्ड बाय ट्रीटमेंट विद इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड।
इन्फ्लेमेशन जब भी होगी तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इज द मोस्ट पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो जब भी ट्रीटमेंट इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। मैस्ट सेल्स आर इम्पोर्टेंट इन इनिशिएटिंग द एक्यूट ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस एंड सेवरल अदर इनडायरेक्टली एक्टिंग स्टिमुलाई सच एज एक्सरसाइज एंड हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन में ऑस्मोलैरिटी चेंजेस आ जाती है एयरवेज में, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। सो मैस सेल्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इनिशिएटिंग ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर रिस्पॉन्स। और वजह क्या होती है, एलर्जेंस and several other indirectly acting stimuli like hyperventilation, fog, smoke as well. इनकी वजह से mast cells activate हो जाती हैं और mast cells activate होते हैं through IgE dependent mechanism. Mast cells release several bronchoconstrictor mediators including histamine, prostaglandin D2 and cystinyl leukotrienes. But also several cytokines, chemokines, growth factors and neutrophils. So most important mediator in bronchial asthma are mast cells. Mast cells क्या करते हैं, bronchoconstrictor release करते हैं, histamine release करते हैं, prostaglandins release करते हैं and several other cytokines, cystinyl leukotrienes, chemokines, growth factors and neutrophils. They all cause airway inflammation, airway narrowing and symptoms of bronchial asthma. There are structural changes in the airways, often termed as remodeling. A characteristic finding is thickening of the basement membrane due to subepithelial collagen deposition. The epithelium is often shed and friable and increased number of epithelial cells in the lumen. The airway wall itself may be thickened and adimatous. Airway inflammation हो जाती है, airway inflammation की वजह से उसकी wall मोटी हो जाती है, सूज जाती है और lumen बहुत narrowed हो जाता है. This airway narrowing की वजह से patient को cough, wheeze, chest tightness और dyspnea हो जाता है. There is also vasodilatation and increased numbers of blood vessels angiogenesis. Direct observation by bronchoscopy indicates that airways may be narrowed, edematous and erythematous. There is inflammation in the respiratory mucosa from the trachea to the terminal bronchioles but with predominance in the bronchi. Pathogenesis. Immunohistopathological features include denudation of the airway epithelium, collagen deposition beneath the basement membrane, edema, mast cells activation, inflammatory cells infiltration, neutrophils, eosinophils and lymphocytes. So, अगर हम summarize करें immunohistopathological features, तो सबसे पहले denudation of airway epithelium होगी, collagen deposition होगी, edema आ जाएगा, mast cells activation और inflammatory infiltration including neutrophils, eosinophils and lymphocytes. All causes airflow limitation. All causes जो हमने changes बताई हैं ये सारे airflow limitation करती हैं, bronchoconstriction, edema, mucus plug formation and airway wall remodeling. Atopy is the strongest predisposing factor for developing asthma. इस picture में ये बताया गया है कि bronchial asthma में chronic inflammatory cells as well as mast cells activate हो जाते हैं, several mediators like cytokines, growth hormones, chemokines secrete करते हैं और ये सारी चीज़ें in response to allergens और extrinsic stimuli होती हैं जिसकी वजह से आपकी airway narrowing हो जाती है. इस पिक्चर में हमने दिखाया गया है राइट साइड पे नॉर्मल एयरवे है और लेफ्ट साइड पे थिकंड नैरोड इन्फ्लेम्ड एयरवे है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा. सो एलर्जेंस, सेंसिटाइजर्स, वायरसेस, एयर प्लूटेंट्स ऑल काज इन्फ्लेमेशन, दैट इज क्रॉनिक इओसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस.
This will lead to airway hyper-responsiveness, and triggering factors include allergens, exercise, cold air, sulfur dioxide, particulates. They all lead to symptoms of cough, wheeze, chest tightness and dyspnea. So, char cardinal features aapko baar baar bata raha hoon. Cough, wheeze, chest tightness and dyspnea. Several risk factors that predispose to asthma have been identified. These should be distinguished from the triggers. What are triggers? Triggers are environmental factors that worsen the asthma in patients with previously established asthma, while risk factors are those which can cause to disease. Risk factors bimari paida karne ki wajah bante hain, jabki triggers ek patient mein pehle se bimari ho, us bimari mein exacerbation le aate hain, us bimari mein shiddat le aate hain. So risk factors bimari ka mojab bante hain aur triggers bimari ki shiddat mein izafe ka wajah bante hain. So this is the differentiating point between risk factors and triggers. Risk factors include genetic predisposition, atopy, airway hyperresponsiveness, gender, ethnicity, obesity and early viral infection. These are endogenous factors. Environmental factors include indoor allergens, outdoor allergens, occupational sensitizers, passive smoking and respiratory infections. Air pollution, allergens and several medications like aspirin and beta blockers. These are triggering substances. Atopy. Sabse important wajah jo ke bronchial asthma mein inflammation ki hai, that is atopy, allergy. Atopy is the major risk factor for asthma, and non-atopic individuals have a very low risk for developing asthma. Patients with asthma commonly suffer from other atopic diseases, particularly allergic rhinitis may be found in 80% of the asthmatic patients, and atopic dermatitis or eczema. Genetic predisposition. The familial association of asthma and high degree of concordance for asthma in identical twins indicate a genetic predisposition to disease. It now seems likely that different genes may also contribute to asthma specifically, and there is increasing evidence that severity of asthma is also genetically determined. Infections. Although viral infections are common as a trigger of asthma exacerbation, it is uncertain whether they play a role in etiology. There is some association between respiratory syncytial viral infection in infancy and development of asthma. So infections, bachpan mein viral infections ho, to unme asthma hone ke chances zyada ho. Isi tarah diet. The role of dietary factors is controversial. So abhi tak ye sabit nahi ho saka ki diet ka bronchial asthma se kya taluk hai, but there is some suspicion के कुछ diets ऐसी हैं जो कि bronchial asthma का वजह बनती हैं, जैसा कि observational studies shown that diet low in antioxidants such as vitamin C and vitamin A, magnesium, selenium and omega 3 polyunsaturated fats, or high in sodium and omega 3 polysaturated are associated with an increased risk of asthma. Vitamin D deficiency may also predispose to development of asthma. Air pollution. Air pollutants such as sulfur dioxide, ozone and diesel particulates may trigger asthma symptoms, but the role of different air pollutants in the etiology of disease is not yet clear. Allergens. Inhaled allergens are common triggers of asthma symptoms and have some implicated in allergic sensitization. Exposure to house dust mites in early childhood is a risk factor for allergic sensitization as asthma. Domestic pets, particularly cats, have been associated with allergic sensitization. Occupational exposure. Occupational asthma is relatively common and may affect up to 10% of the young adults. Over 300 sensitizing agents have been identified.
chemicals such as toluene, diisocyanate and trimetallic anhydrate may lead to sensitization independence of atopy. So occupational asthma is very common. 300 से ज़्यादा ऐसे एजेंट्स हैं जो कि एस्थमा करते हैं, उनमें कुछ केमिकल्स लाइक टॉलिन, डाई आइसोसाइनेट और ट्राई मेलेटिक एनहाइड्राइड ऐसे केमिकल्स हैं जो कि साबित हो चुका है कि जो कि ब्रोंकियल एस्थमा करते हैं. सिमिलरली क्लिंजर्स आर सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड इन क्लीनिंग मे आल्सो प्रीडिस्पोज टू ऑक्यूपेशनल एस्थमा because of the aerosols which are produced by cleaning liquids. Occupational exposure of various substances may lead to occupational asthma, and characteristic feature of occupational asthma is that symptoms improve during weekends and holidays. Whenever there is holidays, whenever there is weekends, सिम्टम्स इम्प्रूव कर जाएंगे, जबकि वर्किंग डेज में पेशेंट का एस्थमा प्रेसिपिटेट पड़ जाएगा. तो ऑक्यूपेशनल एस्थमा का मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर इज इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिम्टम्स ड्यूरिंग वीकेंड्स एंड हॉलीडे. ओबेसिटी, एस्थमा अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली इन ओबीस पीपल एंड इज ऑफन मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल. Although mechanical factors may contribute, it may also be linked to the pro-inflammatory adipokines and reduced anti-inflammatory adipokines that are released from the fat cells. So asthma is associated with obesity, particularly when the BMI is more than 30 kg per meter square. मोटे बंदों में एस्थमा का कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है. तो ओबेसिटी में होता क्या है? There is release of pro-inflammatory adipokines and reduced anti-inflammatory adipokines that are released from fat cells. Intrinsic asthma. A minority of the asthmatic patients, less than 10%, they have negative skin test to common inhaled allergens and normal serum concentration of IgE. These patients with non-atopic or intrinsic asthma usually show later onset of disease, commonly have concomitant nasal polyps and may be aspirin sensitive. They usually have more severe and persistent asthma. Dobara bata raha hu, intrinsic asthma ek asthma ki type hai jisme IgE levels nahi hote, in patients mein atopy nahi hoti, non atopic hote hain. नंबर टू, IgE लेवल्स इनमें नॉर्मल होते हैं एंड एलर्जी का एविडेंस बहुत कम होता है. इन पेशेंट्स में नेजल पॉलिप्स होते हैं. दीज पेशेंट्स दे आल्सो शो एस्पिरिन सेंसिटिव एस्थमा एंड दे हैव स्वेयर एस्थमा. और इंट्रिंसिक एस्थमा के पेशेंट आमतौर पर लेट ऑनसेट होते हैं, एडवांस एज में. आमतौर पर एस्थमा बचपन में शुरू हो जाता है, लेकिन जो इंट्रिंसिक एस्थमा है वो जवानी में होता है और एडवांस एज में होता है. कैटामेनियल एस्थमा, वुमेन में एक्सपीरियंस सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा और देयर वर्सनिंग ड्यूरिंग प्रिडिक्टेबल टाइम ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो एस्थमा जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ एसोसिएटेड हो, एस्थमा जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में वर्स हो जाए, इज कॉल्ड कैटामेनियल एस्थमा. एस्थमा ट्रिगर्स, Several stimuli triggers airway narrowing, wheeze and dyspnea in asthmatic. These triggers include allergens, number 2 irritants, number 3 medicines and number 4 upper respiratory tract infections. Allergens from dust, animal fur, cockroaches, mold and pollens from trees, grasses and flowers. Irritants like cigarette smoke, air pollution, chemicals, dust in the workplace, compounds in the home decor products and sprays. Medicines like aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drugs and non-selective beta blockers and upper airway respiratory tract infections. And physical activity including exercise. वो एस्थमा जो कि एक्सरसाइज करने से हो जाए उसको कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा.
aspirin sensitive asthma. 1 to 5% of the patient may become worse with aspirin or COX inhibitors. This asthma is called aspirin sensitive asthma. It is associated with perineal rhinitis and nasal polyps in non-atopic patients with late onset of the disease. Aspirin provokes rhinorrhea, conjunctival injection, facial flushing and wheeze, and responds to dual therapy with inhaled corticosteroids. Aspirin and COX inhibitors should be avoided. Asthma जो कि एस्प्रिन की वजह से प्रेस्ट्रेट कर जाए, एस्थमा जो कि एस्प्रिन की वजह से प्रोड्यूस हो, उन पेशेंट में एस्प्रिन उसके अलावा कॉक्स इनिबिटर्स भी अवॉइड करने चाहिए। क्लिनिकल फीचर्स, एस्थमा के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में आपके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का चढ़ना, वीज, छाती में सीटियां बजना, कफ, खांसी का होना, खासतौर पर रात के वक्त, स्पूटम बलगम का आना, टैकिपनिया सांस का चढ़ना, हाइपर इन्फ्लेटेड एंड हाइपर रेजोनेंट चेस्ट, एयर एंट्री डिक्रीज हो जाती है, एंड लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा, देयर मे बी साइलेंट चेस्ट, चेस्ट बिल्कुल साइलेंट होती है, साइनोसिस हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया एंड एग्जॉस्टन हो जाती है। Some physical examination findings increase the probability of asthma. These include nasal polyps, nasal mucosal swelling, increased secretions, eczema, atopic dermatitis and other allergic skin disorders. These are prolonged expiration and globally reduced breath sounds. डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ वीज, एक ब्रोंकियल एस्थमा का पेशेंट जब आपके पास आता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फाइंडिंग इज वीज, लेकिन वीज सिर्फ ब्रोंकियल एस्थमा में प्रोड्यूस नहीं होता बल्कि उसकी बहुत सारे काजेज होते हैं। अगर कोई पेशेंट आपके पास वीज के साथ आए तो आपने ब्रोंकियल एस्थमा ही नहीं सोचना बल्कि ए लिस्ट ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके माइंड में आ जानी चाहिए। वो कौन सी कंडीशन है जो वीज करती हैं? These include bronchial asthma, COPD, pulmonary edema, allergic bronchopulmonary aspergillosis, Schag-Strauss syndrome, acute eosinophilic pneumonia, hypersensitivity pneumonitis, pulmonary embolism. Obstructive sleep apnea, bronchogenic carcinoma, acute VZ bronchitis, ARDS, aspiration pneumonia and bronchiectasis. उसके अलावा cystic fibrosis and laryngeal or tracheal tumors, but they also cause wheeze. कफ वेरिएंट एस्थमा, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें खांसी होती है प्रीडोमिनेंट फीचर, उनमें ना तो वीज आती है ना ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सिर्फ खांसी ही उसमें अलामत होती है। इस किस्म के एस्थमा को कफ वेरिएंट एस्थमा कहते हैं। सम पेशेंट्स पर्टिकुलरली चिल्ड्रन में प्रेजेंट विद प्रीडोमिनेंट नॉन प्रोडक्टिव कफ, दिस टाइप ऑफ एस्थमा इज कॉल्ड कफ वेरिएंट। How will you diagnose a patient with asthma? Diagnosis of bronchial asthma is largely clinical. Detailed history, pulmonary function test, radiographic test, challenge test and measurement of allergic status.
diagnostic criteria for asthma. Compatible clinical history plus FEV1 में 12% improvement आ जाए, FEV1 increase more than 12% following administration of bronchodilator or trial of corticosteroids, more than 20% diurnal variation on more than 3 days in a week for 2 weeks in peak expiratory flow diary, FEV1 increase by 15% and decrease after 6 minutes of exercise. Lung function test. Measurement of FEV1 and vital capacity helps to identify the obstructive nature of disease, define its severity, and provides basis for bronchodilator reversibility. Normally, FEV1 to FVC ratio is 70 to 80%. Normally, in lung function test की जब interpretation करते हैं, तो FEV1 to FVC ratio लेते हैं. Normally, FEV1 to FVC ratio is between 70 to 80%. If it is less than 70%, these diseases are called obstructive lung diseases. Reversibility. Reversibility of airflow obstruction is defined by increase of 12% and 200 ml in FEV1 or 15% and 200 ml in FVC after inhaling a short-acting bronchodilator. So this picture shows reversibility. आपके lung function test में 12% FEV1 में and 15% FVC में improvement आ जाए तो reversibility. और ये पिक्चर में शो किया गया है कि 2 हफ्तों के लिए जब स्टीरॉयड्स खिलाते हैं तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में आपके इम्प्रूवमेंट आ जाते हैं, आपके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट रिवर्सिबल हो जाते हैं. चैलेंज टेस्ट. इट इज अनयूजुअल फॉर एन एस्थमेटिक पेशेंट टू हैव नॉर्मल लंग फंक्शन टेस्ट. अगर किसी एस्थमेटिक पेशेंट के लंग फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आए और फिर भी आपको कन्फर्म हो कि उसको ब्रोंकियल एस्थमा है, तो इस केस में आप चैलेंज टेस्ट करते हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज Challenge tests are used for demonstration of airway hyper-responsiveness and can be useful in diagnosis. They are sensitive but not specific. Therefore, they may be positive in COPD, bronchiectasis and cystic fibrosis. It can be done by using methacholine. Methacholine challenge test. Exercise challenge tests are done when symptoms are predominantly exercise related. एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा. कुछ पेशेंट्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, वीज, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है इमीडिएटली आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज. वो जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उनमें सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा डेवलप हो जाते हैं. दिस टाइप ऑफ एस्थमा इज कॉल्ड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा. सो फौरन ही एक्सरसाइज करने के बाद आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएं तो देर इज डिक्रीज इन FEV1 और FVC. सो दिस इज कॉल्ड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा. चेस्ट रेडियोग्राफ में शो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स. चेस्ट एक्सरे ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट में हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होगा, प्रोमिनेंट ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग होगी, एविडेंस ऑफ कंसोलिडेशन होगा और एविडेंस ऑफ निमोनिया होगा. स्किन टेस्ट. स्किन प्रिक टेस्ट टू कॉमन इनहेल्ड एलर्जेंस. हाउस डस्ट माइट्स, कैट फर, गैसेस, पोलन्स आर पॉजिटिव इन एलर्जिक एस्थमा एंड नेगेटिव इन इंट्रिंसिक एस्थमा बट आर नॉट यूजफुल इन डायग्नोसिस. दे आर नॉट हेल्पफुल इन डायग्नोसिस. पॉजिटिव स्किन टेस्ट मे बी यूजफुल इन प्रीसोडिंग पेशेंट्स टू अंडरटेक एलर्जिन अवॉइडेंस मेजर्स. Blood tests are not usually helpful. Total serum IgE and specific IgE to inhaled allergens by RAST may be measured in some patients. Some patients with asthma IgE levels are increased. Exhaled nitric oxide. Fractional exhaled nitric oxide is now being used as a non-invasive test to measure eosinophilic airway inflammation. They typically elevated levels in asthma are reduced by inhaled corticosteroids. So ek naya test aajkal bronchial asthma ke patient mein kar rahe hain, that is fractional exhaled nitric oxide.
fractional exhaled nitric oxide levels are raised in broken asthma patients, and जब वो आप inhaled corticosteroids start करते हैं तो fractional exhaled nitric oxide के levels कम हो जाते हैं. Therefore, they are useful in monitoring the treatment of the patient with bronchial asthma. It may be useful in demonstrating insufficient anti-inflammatory therapy. अगर किसी पेशेंट में एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी सफिशियंट नहीं है तो उसमें फ्रैक्शनल एक्सहेल नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स नॉर्मल नहीं होंगे. व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकियल एस्थमा एंड कार्डियक एस्थमा? पैथोलॉजी, ब्रोंकियल एस्थमा में ब्रोंकोस्पैज्म होता है, कार्डियक एस्थमा में पल्मोनरी एडिमा होता है. एज, ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट यंग होते हैं, कार्डियक एस्थमा के पेशेंट एल्डरली होते हैं. पास्ट हिस्ट्री, past history of atopy including allergic rhinitis and dermatitis in bronchial asthma, while history of diabetes, hypertension, ischemic heart disease or valvular heart disease in patient with cardiac asthma. Family history of atopy and allergic disorders in bronchial asthma, while family history of diabetes, hypertension and ischemic heart disease in cardiac asthma. Seasonal variation is prominent feature of bronchial asthma but it is absent in cardiac asthma. Examination in bronchial asthma, sweating absent, warm peripheries, heart sound normal, pulse rate may be high, expiratory wheeze and prolonged expiration. In cardiac asthma, sweating present, cold peripheries, S3 gallop, pulse rate may be very high, pulses alternate in case of severe left ventricular failure. Bilateral bibasal crepitations are very prominent in cardiac asthma. Investigations, BNP levels are normal in bronchial asthma, raised in cardiac asthma. Chest X-ray hyperinflated in bronchial asthma while cardiomegaly in cardiac asthma. Echocardiography may be normal in bronchial asthma while segmental wall motion abnormalities, low ejection fraction or valvular heart disease evidence may be present in cardiac asthma. What are the complications of bronchial asthma? Exhaustion, dehydration, tussock syncope, pneumothorax, hypercapnic and hypoxemic respiratory failure. So four, five complications of the bronchial asthma are: exhaust ho jayega patient, patient dehydrated ho jayega, tussock syncope ho jayegi, pneumothorax ho sakta hai, aur respiratory failure. So these are the complications of bronchial asthma. Other things that mimic asthma, they must be differentiated. What are differential diagnoses of bronchial asthma? Upper airway disorders like vocal cord paralysis, foreign body aspiration, tracheal narrowing, tracheobronchomalacia and airway edema. Lower airway disorders include COPD, bronchiectasis, cystic fibrosis, sarcoidosis and bronchitis, bronchiolitis. Systemic vasculitis like eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. And psychiatric causes include emotional, laryngeal dyskinesia, conversion disorder. So these are differential diagnoses of asthma. And this is the end of part 1 of the lecture of bronchial asthma.